दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय चंदेल सैलून सोलन। बिजली बोर्ड में भारतीय मजदूर संघ से संबंधित एक कर्मचारी यूनियन पर दूसरी यूनियन के पदाधिकारियों के तबादलों का आरोप लगा है। मुख्यमंत्री कार्यालय पर भी इसे लेकर आक्षेप लगे हैं और कहा गया है कि सीएम कार्यालय से लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है, जिस कारण डेढ़ साल से बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के साथ प्रबंधन ने बैठक नहीं की। इस सिलसिले में बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिले हैं, जिन्होंने मामले को देखने की बात कही है। बुधवार को इस यूनियन के अध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाड़ा व अन्य पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता की। उन्होंने ऐलान किया कि उनके पदाधिकारियों के तबादलों को तुरंत रोका जाए और कर्मचारी यूनियन के साथ कर्मचारी मामलों को लेकर बैठक की जाए। इसके लिए उन्होंने 30 दिन का अल्टीमेटम प्रबंधन को दिया है, वरना प्रदेश में यह कर्मचारी आंदोलन का बिगुल बजाएंगे। कहां तक उचित है? मैं एचपीएससीबी एम्प्लॉयज यूनियन की तरफ से कहना चाहूंगा, अगर यह डायरेक्शन सरकार की है या यह बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट का अपना डिसीजन है, तो यह पूरे तरीके से गैर जिम्मेदाराना है और अलोकतांत्रिक है। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए शिमला से शकील कुरैशी की रिपोर्ट। आधुनिक स्टाइल और पारंपरिक सौंदर्य के लिए चंदेल ब्यूटी पार्लर दो दशकों से सोलन में युवतियों व महिलाओं की पहली पसंद बना हुआ है। ब्यूटी ब्रांड बन चुके चंदेल ब्यूटी पार्लर में गुणवत्ता के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाता है। यहाँ पर आपको मिलेगा तीन तरह का एयर ब्रश मेकअप, ब्राइडल मेकअप, सभी तरह का हेयर कलर और मेहंदी भी। मायानगरी में बतौर मेकअप आर्टिस्ट रहे अनिल चंदेल विवाह व त्योहारों के समय विशेष पैकेज और छूट दे रहे हैं। वर्ष भर यहां आकर्षक पैकेज भी ग्राहकों को दिए जाते हैं। तो अगर आप भी जवान व खूबसूरत दिखना चाहती हैं, तो आज ही चली आएं चंदेल ब्यूटी पार्लर, फर्स्ट फ्लोर, अमर कॉम्प्लेक्स, द मॉल, सोलन।